हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द एबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 29 को नैरेट करेंगे। तो चलो जल्दी से नैरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में लॉजिन फिर कहते हैं, लिहुआ फिर मैं कैडेट 18 बाइक जी को चुनता हूँ। जो सुनकर योसुन की हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि कैडेट 18 बाइक जी उसे ग्रुप का लीडर था। लिहुआ सोच रहा था उसे होजिन का संयम की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए थी, अब उसके ग्रुप का बाइक जी सबसे बड़े मुश्किल में है। लिहुआ फिर कहता है, ठीक है मैं अप्रूवल दे देता हूँ। वहीं पर ग्रुप का इंस्ट्रक्टर सेंगमून सोच रहा था, मैं ऐसे में जियोन से फाइट करना चाह रहा था, चलो उन दोनों को लड़ने दो, मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। उसके बाद मुयोन और योसुन आते हैं पहले लड़ने। जियोन एनो को कहता है, एनो इसका एक सेकंड भी मिस मत करना। फिर फाइट शुरू होती है और मुयोन फ्लोइंग डार्क क्लाउड पाम का इस्तेमाल करता है। योसुन सोच रहा था, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, द फ्लोइंग डार्क क्लाउड पम वन ऑफ द बेस्ट पामा टेक्निक है। ऐसा कहा जाता है कि द डार्क डीमन ग्रेट सोर्ड के साथ ही साथ ये भी उनकी स्पेशलिटी है। मुझे काफ़ी शर्म आ रही है कि मुझे सेवन सोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा मेरे पॉइजन आर्ट्स को छोड़कर। योसुन भी सेवन डीमन सोर्ड द फिफ्थ सोर्ड का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर मुयोन भी हमला करने आ रहा था। जियोन ये सब देखकर सोच रहा था, आखिर उनके मूवमेंट्स मुझे इतने फेमिलियर क्यों लग रहे हैं। यहाँ पर मुयोन के हमले को योसुन ने ब्लॉक कर दिया था। योसुन सोच रहा था, अमेजिंग, वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा जबकि मैंने उसके हमले को ब्लॉक कर दिया। मैं उसके पाम से निकले की को देखकर कह सकता हूँ कि वो एक्सपर्ट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। उसके टेक्निक्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग दूसरे कैडेट से बहुत ही ज़्यादा है। अगर यह मार्शल आर्ट के नजरिए से देखा जाए तो वो किसी भी क्लान के एल्डर का लेवल का है। योसुन फिर हमला करता है, जिसे कि मुयोन सही से रोक नहीं पा रहा था। योसुन सोच रहा था, मुझे उसे किसी भी ऑर्डिनरी कैडेट की तरह ट्रीट करना नहीं चाहिए। वहीं पर मुयोन सोच रहा था, इवन द फ्लोइंग डार्क क्लाउड पाम एक हाई लेवल का मार्शल आर्ट है, पर वो मेरे हमले को ऐसे रोक दे रहे हैं। क्या वो मुझे कहना चाह रहे हैं कि ये होती एडवांस मार्शल आर्टिस्ट। जियोन फाइट को देखकर सोच रहा था, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो जिन टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है वो अलग हो सकता है, पर उनके शॉर्ट मूवमेंट्स जैसे ये टेक्निक्स बन रहे हैं एग्जैक्टली सेम है जो कि ग्रेवस्टोन के डिस्ट्रक्टिव शॉट टेक्निक में था। पर इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जबकि डिस्ट्रक्टिव शॉट टेक्निक का जो कि डिस्ट्रक्टिव शॉट टेक्निक का आधा होता है। मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, पर ग्रेवस्टोन में जो भी ट्रेसेस हैं वो सारे शॉट डीमन के द्वारा ही किया गया है। यहाँ पर दोनों दूसरे को पर हमला करे जा रहे थे, पर एक दूसरे के हमले को भी अच्छे से ब्लॉक कर रहे थे। मुयोन सोच रहा था, वो मेरे जैसे एक्सपर्ट हैं पर मेरे से थोड़े ज़्यादा स्किल्ड, जबकि वो मेरे पाम टेक्निक को एडवांस मार्शल आर्ट की मदद से रोक रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि उनके पास मेरे से ज़्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है और इसलिए तो इंस्ट्रक्टर बने हैं। अगर मैंने जल्दी ही मैच को ख़त्म नहीं करी तो मैं और भी डिसएडवांटेज में जा सकता हूँ। मुयोन फिर अपना स्टांस चेंज कर लेता है, जो देखकर योसुन सोचता है उसने अपना स्टांस चेंज कर दिया है, शायद वो इस मैच को अल्टीमेट मूवमेंट के साथ ही ख़त्म करना चाहता है। तो इस केस में मैं मेरे पूरे नेगों को गैदर करके उसके हमले को ब्लॉक करूंगा। मुयोन फिर हमला करने आगे बढ़ता है और वो राइट पाम टेक्निक को यूज़ कर रहा था, जो देखकर योसुन उसे ब्लॉक करने के सोचता है। पर जैसे जैसे मुयोन आगे आता जाता है, योसुन देखता है कि अपने उल्टे हाथ से हमला करने आ रहा है, जिसे समझ पाना योसुन के लिए मुश्किल हो रहा था। यह पहले मूवमेंट्स के बिल्कुल ही सिमिलर है, पर उसने सडनली अपने हैंड्स चेंज कर दिए हैं, तो इसे डील करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है, मैं पहले उसके बाएं हाथ को रोकता हूँ, पर तभी मुयोन फिर से अपने हैंड चेंज करता है, जिस वजह से योसुन उसे पिक नहीं कर पाता और इसकी वजह से योसुन उसके हमले को रोक नहीं पाता और वह हार जाता है। सारे कैडेट्स मुयोन के पावर देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे। उसने सच में इंस्ट्रक्टर को हरा दिया और वो ऑलरेडी की ब्लेड को भी यूज़ कर पा रहा है, मतलब वो एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। वो तो कोई ऑर्डिनरी कैडेट से बहुत ही आगे है। मुझे लगता है कि मुयोन उत्तराधिकारी बनने के सबसे लायक है। लिहुआ सोच रहा था, लेफ्ट शॉट राइट पाम, राइट शॉट लेफ्ट पाम, ये एक सीक्रेट आर्ट है जो कि तुम्हें दो स्पेशल टेक्निक्स को एक साथ में यूज़ करने देता है, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट करके। और बस यही टेक्निक डार्क क्लान के लीडर मुजिनुओ को कर्ल का सेकंड बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनाता है, और मैंने सुना है कि बस वही यह कर सकते हैं। और मेरे सामने ये लड़का, वो सच में एक जीनियस है। यहाँ पर योसुन मुयोन को योलो नेमटे हैंड ओवर करता है और कहता है, तुमने थर्ड टेस्ट में ग्रुप लीडर बनने की जगह हासिल करी है। जो सोच रहा था, जीतने के बाद नेमटे को ले लेना, इसमें कुछ तो जो कि मुझे परेशान कर रहा है, क्या बस एक इंसान एक ही नेमटे को अर्न कर सकता है। चलो ठीक है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी मुझे इस पर फोकस करना चाहिए जो कि मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा, मुझे खुद को सबके सामने प्रूव करना है। जियोन फिर सेंगमून के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सेंगमून सोच रहा था कि इंस्ट्रक्टर को अपने सामने फेस टू फेस देखने के बाद भी उसे नर्वस होना चाहिए, पर वो पूरा फायर्ड अप हो रखा है। ऑनेस्टली मैं ये देखकर काफ़ी सरप्राइज हुआ हूँ, मुझे तो पहले लगा था पहले टेस्ट को भी पास नहीं कर पाएगा। हाउएवर अभी समय आ गया है तुम्हें लकी स्ट्रीक को ब्रेक करने का, मैं तुम्हें सबके सामने क्रॉस करके रख दूंगा बच्चे। सेंगमून फिर जियोन के स्टैंस को देखकर सोच रहा था, क्या ये बटरफ्लाई डांस है, चलो ठीक है पहले तुम हमला करो। जियोन सोच रहा था, शायद मैं एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच चुका हूं,
पर मेरे अंदर अभी भी नैगुन काफी कम है एक ट्रू एक्सपर्ट के हिसाब से, और मुझे पहले हमला करने देना मतलब वो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। मैं उसे 10-स्टार टेक्निक के साथ एक ही बारी में खत्म कर दूंगा। और जैसे चोन हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, चोन की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी जो देखकर सेंगमून सरप्राइज हुआ था, पर वो किसी तरह हमले को रोक देता है। मैंने 7-स्टार की मदद से उसके हमले को रोक दिया, पर उसके बाद भी मैं 5 कदम पीछे चला गया। उसके पास ग्रेट नेगोंग है, पर उसकी वेगोंग यानी एक्सटर्नल पावर बहुत ही ज्यादा है। वहीं पर चोन सोच रहा था तो वो मुझे यह हमला करने नहीं देगा। चोन फिर उसके ऊपर लगातार हमला करता है, जिससे कि सेंगमून बैकफुट पर जा चुका था और उसे काफी ह्यूमिलेशन फील हो रही थी। सेंगमून कहता है, क्या तुम्हें लगता तुम ऐसा करके मुझसे बच सकते हो? और वो 7 डिमन सोर्ड 4th और 6th सोर्ड का इस्तेमाल करता है। चोन सोच रहा था, मैं ये देख सकता हूँ बिना नैनो के हेल्प के, और मैं बता सकता हूँ कि उसके टेक्निक्स अनस्टेबल हैं। ग्रेवस्टोन का डेस्ट्रक्टिव टेक्निक के सामने तो ये बच्चों का खेल है, इसलिए हमले के समय चोन उसके पास जाता है, जो देखकर सेंगमून सोचता है वो खुद ही मेरे सामने आ गया है, मन्ने वो कितना बेवकूफ है, मैं उसे मेरे सेकंड टेक्निक से खत्म कर दूंगा। पर जैसे सेंगमून हमला करता है, चोन उसके हमले को ब्लॉक कर देता है, जो देखकर सभी चौंक गए थे। लिवा सोच रहा था, मुझे भी ये देखकर काफी हैरानी हो रही है। उसने 7 डिमन सोर्ड जैसा टेक्निक को रोक दिया बस बटरफ्लाई डांस के बेसिक मूव से। सेंगमून पूरे गुस्से में सोच रहा था, आखिर मैं एक बच्चे का हमले से पीछे कैसे हट सकता हूँ? अब जब ये सब हो रहा है, मैं तो टेंशन टेक्निक की मदद से इंटरनल इंजर कर दूंगा। लिवा सेंगमून के हमले को देखकर सोच रहा था, ये तो एक लेथल मूव है, आखिर वो करने क्या जा रहा है? और जब सेंगमून चोन के ऊपर हमला करता है और चोन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर चोन उसे रोक नहीं पाता और उसे चोट लग जाती है, और उसे ऐसा काफी दर्द भी हो रहा था। नैनो कहता है, आपके ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं फोर्सफुल एक एनर्जी को इंजेक्ट करने की वजह से, इसलिए नैनो जल्दी से ऑर्गन्स को रिजेनरेट करने लगता है। और इस हमले से चोन पूरे गुस्से में आ चुका था, जो देखकर सेंगमून सोच रहा था, ये क्या हो गया? मैं श्योर हूँ कि मैंने उसे इंटरनल इंजरी दी थी, तो आखिर वो डाउन क्यों नहीं हो रहा? पर जो भी हो, मुझे उसके सामने आर्मर के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। पर चोन के हमले से सेंगमून के रिब्स की हड्डी टूट जाती है, जिससे वो इतने जोर से चीखता है कि इसे सभी डर गए थे, और अब उसे देखकर लग रहा है कि उसने हार मान ली है। और इसी तरह चोन ये मैच जीत जाता है। यूचेन ये देखकर सोच रहा था, तो यूम्पा ने कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा था, वो शायद एक प्रॉब्लम बन सकता है। लिवा यहाँ पर सोच रहा था, 7 डिमन सोर्ड डिमनी कल्ट के एक लेजेंड ये स्वॉर्ड डिमन ने क्रिएट किया है, ये एक प्लेन स्वॉर्ड मूवमेंट का कलेक्शन है, पर उनके काउंटलेस कॉम्बिनेशन की वजह से उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर चोन उसे रोकने में कामयाब रहा, वो तो एक्सीलेंट से भी बहुत ज्यादा आगे है, मुझे उसे स्योमन के हाथ लगने देना नहीं चाहिए था। यहाँ पर दूसरे इंस्ट्रक्टर आकर सेंगमून को चेक कर रहे थे। एकेडमी डायरेक्टर सेंगमून को इन्फर्मरी लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके रिब्स की हड्डी टूट चुकी है। लिवा सोच रहा था, मैं इंस्ट्रक्टर का बताना भूल ही गया, कैडेट 7 ने ट्रेनिंग रूम्स के दीवार को तोड़ दिया था, अगर ये बात सेंगमून को पता होती तो शायद वैसे ना हारता। उसके बाद सेंगमून को इन्फर्मरी लेकर जाया जाता है और चोन को नेम टैग मिल जाती है। सारे इंस्ट्रक्टर सोच रहे थे, अगर हम ऐसे हारते रहे तो सारे कैडेट्स हमें कुछ भी नहीं समझेंगे। ये सब सुनकर होजिन सोच रहे थे, स्किल और टैलेंट के साथ इंस्ट्रक्टर को सरपास किया जा सकता है, और उन्हें खुश होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी काफी बेहतर है, पर वो तो यहाँ पर अपना फेस बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वह लगता नहीं कि मैं उन्हें कुछ भी कह सकता हूँ। गुस्से में आकर कैडेट 18 को सिलेक्ट करना और ऐसे टैलेंट को अनदेखा कर देना, लगता है मेरे लाइफ में एक और रिग्रेट जुड़ गया है। लिवा फिर कहता है, अभी आखिरी ड्यूल बाकी है। इंस्ट्रक्टर सोच रहे थे शायद आज उनकी लाज बच जाएगी, क्योंकि होजिन एक सीनियर इंस्ट्रक्टर है, पर अभी भी कुछ इंस्ट्रक्टर्स थे जिन्हें की पूरा भरोसा नहीं था। बाई फिर होजिन को कहता है, मेरे में शायद आपकी जितनी पावर नहीं है, प्लीज आपके टीचिंग से मुझे आशीर्वाद देना। होजिन कहते हैं, तुम तो बहुत ही अच्छे कैडेट हो, चलो हम दोनों अपना अपना बेस्ट देते हैं। उसके बाद दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर बाइक होजिन को देखकर सोच रहा था, क्या ये वही आदमी है जो कि 1 सेकंड पहले इतना हंस रहे थे? बाइक फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं बाद में कोई रिग्रेट ना करूं। बाइक फिर किक मारने के लिए जाता है, जो देखकर चोन सोच रहा था, ये तो किकिंग टेक्निक है, चलो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है कि मुझे बहुत सारे अवतार्स मिलते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अच्छा था मुयोन का था, जो कि एक ही बारी में 2 टेक्निक्स का यूज कर रहा था, और ये बस उसके टेक्निक्स का छोटा सा लुक था, पता नहीं किसे एनालाइज किया भी जा सकता है या नहीं। अच्छा होगा अगर मेरा सामना आगे जाकर मुयोन से होता है। यहाँ पर बाइक की एक टेक्निक को होजिन बड़े आसन से डॉज कर देते हैं, और ऐसा कुछ होगा बाइक ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। होजिन फिर कहते हैं, तुम्हारा पिछला पैर वाइड ओपन हो गया है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड, तो जल्दी से कॉमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मिनरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना, ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।